डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एस वी अकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी प्रवाह में लेसन नंबर 5, हमारा प्यारा गांव नामक कविता पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ये हमारा प्यारा गांव नामक कविता पढ़ ली थी और उसका हिंदी अर्थ भी बताया था। आज हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो आइए इसके शब्दार्थ पर चलते हैं। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ हैं सुगर, अच्छे, सुंदर। सुगर का अर्थ है अच्छे, सुंदर। संकरे, कम चौड़े। हास्य, हंसी। शिखर, चोटी। सघन, घनी। पोखर, तालाब। चर्चे, एक दूसरे के संबंध में होने वाली बातचीत। और पनघट, जिस जगह स्त्रियां पानी के घड़े भरती है वो पनघट कहलाता है। तो ये थे शब्दार्थ। एक बार फिर वापस पुनः शब्दार्थों को रिपीट कराऊँ। सुगर, सुगर का अर्थ है अच्छे या सुंदर। संकरे, कम चौड़े। हंस्य, हंसी। शिखर, चोटी। सघन, घनी। पोखर, तालाब। चर्चे, एक दूसरे के संबंध में होने वाली बातचीत। पनघट, जिस जगह स्त्रियां पानी के घड़े भरती है। तो ये थे शब्दार्थ। अब आओ अभ्यास करें। अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत पहला है उच्चारण कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उच्चारण कीजिए। देखो, क्यारियां फिर है पिलखन, पोखर, उफंती, दुपहरी, किश्तियाँ, गलियार, खिलखिलाहट, क्यारियाँ डबल आ गए, फिर उपवन, सुघर, चौपाल। उच्चारण कीजिए में एक बार वापिस क्यारियाँ, पिलखन, पोखर, उपंती, दुपहरी, किस्तियां, गलियार, खिलखिलाहट, क्यारियां, उपवन, सुघर, चौपाल। ये फर्स्ट था उच्चारण कीजिए वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 2, सोच समझ कर बताइए, यानी सोच समझ कर हमें इनके उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गांव के लोगों के संबंध में कवि ने क्या कहकर अपनापन प्रकट किया है। गांव के लोगों के संबंध में कवि ने क्या कहकर अपनापन प्रकट किया है। तो क्या कहकर प्रकट किया है, यानी चाचा व ताऊ।
चाचा वे ताऊ, सभी चाचा और ताऊ हैं हमारे, यानी सरल सीधे और सच्चे लोग सारे सभी चाचा और ताऊ हैं हमारे। तो यहाँ कवि ने यहाँ चाचा व ताऊ कहकर कहकर कवि ने अपनापन प्रकट किया है, यानी गांव के लोगों के संबंध में कवि ने सभी को चाचा और ताऊ कहकर अपनापन प्रकट किया है। तो इसका आंसर है चाचा व ताऊ, चाचा व ताऊ, फर्स्ट का आंसर है चाचा व ताऊ। दूसरा है नीम के बूढ़े होने का कवि ने क्या प्रमाण दिया है, मतलब क्या सबूत दिया है कि नीम के जो बूढ़े होने का कवि ने क्या प्रमाण दिया है। यह मेरे लेखक ने कहा है कि यह मेरे पिता की यादों से पहले का खड़ा है, यानी यह मेरे पिता की यादों से, यानी पिता की जो यादें विधवा से जब पिता बचपन में थे तो उनका उस समय का ये खड़ा हुआ है, यह मेरे पिता की यादों से पहले का खड़ा है, यह मेरे पिता की यादों से पहले का खड़ा है। नीम के बूढ़े होने का कवि ने क्या प्रमाण दिया, यह मेरे पिता की यादों से पहले का खड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर गए, गांव के नीम के प्रति कवि ने अपना संबंध और अपनापन कैसे प्रकट किया है। गांव के नीम के प्रति कवि ने अपना संबंध और अपनापन कैसे प्रकट किया है। उत्तर है इसका, नीम की सघन छाया में बैठकर पढ़ाई की है। तो इस तरह से उसने अपनापन प्रकट किया है, नीम की सघन छाया में बैठकर पढ़ाई की है। सघन छाया में बिछी है खाट कितनी, इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है। अर्थात यानी नीम की जो सघन छाया है, गहरी छाया है, उसमें बैठकर मैंने पढ़ाई की है। नीम की सघन छाया में बैठकर पढ़ाई की है, यानी क्वेश्चन में गया था काम के नीम के प्रति कवि ने अपना संबंध और अपनापन कैसे प्रकट किया है। नीम की सघन छाया में बैठकर पढ़ाई की है। तो एक बार वापस फिर दोहरा रहा हूँ, दूसरे का कहे काम के लोगों के संबंध में कवि ने क्या कहकर अपनापन प्रकट किया है, चाचा व ताऊ। दूसरा है नीम के बूढ़े होने का कवि ने क्या प्रमाण दिया है, यह मेरे पिता की यादों से पहले का खड़ा है। तीसरा है गांव के नीम के प्रति कवि ने अपना संबंध और अपनापन कैसे प्रकट किया है, नीम की सघन छाया में बैठकर पढ़ाई की है। यह दूसरा क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर लिखित के अंदर फर्स्ट सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फिलप दिया हुआ है जिसका आज भी लगता है सुहाना, पेड़ पर्वत शिखर, तो शिखर जिसका आज भी लगता है सुहाना, शिखर जिसका आज भी लगता है सुहाना, तो यहाँ पे शिखर आएगा। ठीक है, दूसरा है सभी डैश डैश है हमारे, चाचा और ताऊ बड़े या दोनों, तो इन तीनों में से आएगा ए नंबर चाचा और ताऊ। सभी चाचा और ताऊ हैं हमारे, तो चाचा और ताऊ। गांव की चौपाल का यह खालिस्तान बूढ़ा व्यक्ति मनुष्य नीम, तो यानी नीम आएगा, व्यक्ति मनुष्य नीम, इनमें से नीम आएगा। तो पहले में शिखर, सह नंबर शिखर जिसका आज भी लगता सुहाना, सभी चाचा और ताऊ हैं हमारे खेमे, और गैमे गांव की चौपाल का यह नीम बूढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज सेकंड तक ही करेंगे, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, झूमते हैं ये आप अपनी कविता के कविता को देखकर इसको आप पूरा कर सकते हैं। तो झूमते हैं बाग उपवन खेत प्यारे, घर सुगर गोबर लिपे आंगन सवारे, जहाँ से झूमते हैं उसके बाद फिलप दिया हुआ है और लास्ट में है आंगन सवारे, तो अपनी ये अपनी कविता में से पंक्तियाँ उठाकर हमें वाक इन पंक्तियों को पूरा करना है। तो झूमते हैं बाग उपवन खेत प्यारे, घर सुगर गोबर लिपे आंगन सवारे,
दूसरा है इसी के नीचे सरल सीधे और सच्चे लोग सारे, यानी यहाँ के जो लोग हैं सरल सीधे और सच्चे हैं, सभी चाचा और ताऊ है हमारे, सभी चाचा और ताऊ है हमारे। खैर नंबर, उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, भर दोपहरी नित जहाँ डुबकी लगाना। उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, भर दोपहरी नित जहाँ डुबकी लगाना, यानी जो पोखर है इन तालाब जो वृक्षों से घिरा हुआ है बहुत सुंदर लगता है भरी, यानी जब गर्मी होती है या रोजाना गर्मी होती है तो वहाँ डुबकी लगाने का मन करता है। आज भी अच्छी तरह है याद वे दिन, आज भी अच्छी तरह है याद वे दिन, कागजों की किश्तियाँ घंटों चलाना। तो कागजों की किश्तियाँ घंटों चलाना, आज भी अच्छी तरह है याद वे दिन, कागजों की किश्तियाँ घंटों चलाना। तो ये हो गया अभी और 40 सेकंड। झूमते हैं बाग उपवन खेत प्यारे, घर सुगर गोबर लिपे आंगन सवारे, सरल सीधे और सच्चे लोग सारे, सभी चाचा और ताऊ हैं हमारे। उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, भर दोपहर नित जहाँ डुबकी लगाना, आज भी अच्छी तरह है याद वे दिन, कागजों की किश्तियाँ घंटों चलाना। तो मेरे बच्चों ये था लेसन नंबर 5 के, आज हमने मौखिक में 1 और 2 यानी उच्चारण कीजिए और सोच समझकर बताइए, और लिखित के अंदर सही विकल्प पर सही का चिन्ह वाला, और क्वेश्चन नंबर 2 कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। तो कुल मिलाकर हमने आज 4 क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, और आपको 4 क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं उनको गृह कार्य के रूप में कॉपी में करना है। सभी बच्चे अपना गृह कार्य साथ साथ पूरा करते रहें, कोई भी बच्चा गृह कार्य के कारण पीछे न रहे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पाठ के जो बाकी बचे हुए अभ्यास प्रश्न हैं वो पूरा करेंगे। धन्यवाद।